candidate is Jamshan Dindalzan. He is also from Piramal Foundation, and we are working as Gandhi Bhagavi Udalguri district. So, मैं basically महाराष्ट्र से हूँ और मेरा जो co-fellow है वो भी मणिपुर से है. इस वजह से मुझे आसामीज और बोडो जो है वो ज्यादातर आती नहीं है. ठीक है, कुछ कुछ ये आता है जैसे की खबर. ठीक है, हाँ ओके. तो उपाध्यक्ष सर ने आप लोगों को जिस तरीके से इससे पहले जो भी चीजें बताई है, मतलब लाइट में किस तरीके से कंसीडर करना है, उसके बाद एजुकेशन इम्पोर्टेंस, उसके बाद उन्होंने शेयर किया है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसका क्या मतलब, वही की कंफर्ट जोन से बाहर, वो बहुत सारी चीजें सर ने डिस्कस किया है यहाँ पे. तो सर ने जो डिस्कस किया है यहाँ से आप लोगों को, अभी जो सर ने डिस्कस किया था वो आप लोगों को समझ में आया? कोई बता सकता है कि सर ने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी यहाँ पे? एक पॉइंट में जो आप लोगों को समझ में आया वही चीजें आप बता सकते हो कि हाँ मुझे सर से जो मिला मैंने वो डिस्कस किया, मतलब मुझे वो समझ में आया. इसी के ऊपर मैं और एक चीज बोलने वाला हूँ. उसके पहले आप लोगों को सर ने क्या क्या चीजें बताया था, मतलब रिकॉल हो रहा है क्या आपको? तो कोई है यहाँ पे कि हाँ बता सकता है कि सर ने हमें ये चीजें बोला था और उसमें से मुझे ये चीजें अभी तक याद है? तो किसी को सर ने जो भी बोला है, मैं मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया ना? तो आंसर पता है तो बोल दीजिए. बोले मतलब इस लाइन से एक, इस लाइन से एक, इस लाइन से एक भी चलेगा कोई भी? वो तो मैंने अभी बोला. और क्या? हाँ और ओके ओके. पीछे से ओके, इस लाइन से देखिए. ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, इसी क्वेश्चन से पता चलता है कि जैसे सर ने डिस्कस किया था यहाँ पे नॉलेज, नॉलेज बहुत बार सर ने वर्ड यूज किया है या नहीं किया है. तो नॉलेज क्या होता है? सर ने जो दिया है ना वो सभी इंफॉर्मेशन है. अभी जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो इंफॉर्मेशन है. आपके बुक में होता है वो भी इंफॉर्मेशन ही है. लेकिन आप उस चीज को किस तरीके से समझते हो, उसके बाद आप किस तरीके से बताते हो, वो आपके पास नॉलेज है. ठीक है, तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए हमें क्यूरियस होना भी जरूरी है. जिस तरीके से सर ने बोला था कि हर एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है. जैसे सर ने बोला था एक क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट अगर इंडिया का बनता है तो वो किस तरीके से बनता है. क्या था क्वेश्चन सर ने? अगर सॉरी प्राइम मिनिस्टर बोला था, प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया का अगर इलेक्टेड होता है तो वो किस तरीके से इलेक्टेड होता है, वो बुक में क्वेश्चन है. लेकिन सर ने बोला था कि वो क्वेश्चन मेरा भी होना चाहिए. मतलब क्या कि उस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि ये अगर चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, किस तरीके से इलेक्ट होना है और इसमें मैं इलेक्ट हो सकता होगा, मतलब वो सपना भी देखना है. साथ में सर वही बोला है कि गोल सेटिंग क्यूरियस होना जरूरी है. एजुकेशन मतलब क्या है? अभी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से करते हैं ये चीजें बताना, मतलब मुझे लगता है कि ये चीजें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए. क्योंकि अभी तक अगर आप यहाँ पे आए हो इस लेवल तक, अभी तक आप यहाँ पे हो, मतलब आप लोगों को पता है कि पढ़ाई किस तरीके से की जाती है. आई एम राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना पीछे? यस सर. पीछे मोबाइल में गए हो या यहाँ पे ठहरते रहे हो? वहां पे रील चल रहा है तो रील मत देखो, यहाँ भी रील का देखो, बाद में घर पे जाके रील देखना. ठीक है, तो सबसे पहले ना अगर हमें कहीं भी कहा जहां भी जाना है, मतलब हमारा जो भी गोल होता है उस गोल
उनको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे अंदर की कुछ क्वालिटीज, हमारे अंदर की कुछ स्किल्स, इन चीजों को सबसे पहले जांचना बहुत जरूरी होता है। क्या आप खुद को जानते हो? अगर इसके इस क्वेश्चन का अगर आपके पास आंसर है तो आप किसी भी चीज को अपने लिए उसे खुद डेवलप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और सक्सेसफुल सक्सेसफुल पीपल वही होते हैं वो दूसरों के रास्ते पे ले जाते हैं, वो खुद का रास्ता खुद बनाते हैं। तो वो खुद का रास्ता खुद किस तरीके से बनाते हैं? क्योंकि वो खुद को जानते हैं। क्या आप खुद को जानते हो? आप खुद को जानते हो क्या? आपको आपके बारे में, तो इसीलिए आपको एक सेल्फ एनालिसिस करके खुद के साथ एक चीजें करनी होगी, सेल्फ एनालिसिस करना होगा। और कभी भी सर्वे भी बोला यहाँ पे कि अगर कोई भी प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे अटेंड करते हो या फिर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सारा प्रोग्राम आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, लेकिन उस प्रोग्राम में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ बातें आपको आपके दिल में उतर जाएगी और आपको लगेगा कि यस मुझे तो अभी मिल गया, इस चीज से मुझे कुछ आगे चलने में फायदा होगा। मतलब कभी भी किसी का भी स्पीच सुनो, किसी की भी गाइडेंस लो, किसी की भी जो चीजें आपको बताते हैं वो सारी चीजें, उसमें से सारा फ्रूटफुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें हम ग्रास्प नहीं करते, मतलब सारी की सारी चीजें वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा नॉलेज है, लेकिन मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अभी तक भी इसको आप जब दूसरों को बताओगे तब ये आपके लिए नॉलेज हो जाएगी कि आपने इससे क्या सीखा, इस प्रोग्राम से क्या सीखा। तो वही है कि नॉलेज को गेन करो। इंफॉर्मेशन कहीं भी मिल जाएगी आप लोगों को, गूगल है, क्रोम है, और बहुत सारे अभी टाइम वेस्टिंग हमारे पास ऐप्स भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन वहां से आप क्या उठाते हो, आज आप क्या करते हो, इससे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड होता है कि आप कल कहां पे होंगे। तो आज जो भी एक्शन आप लेते हो उस एक्शन का पूरा इम्पैक्ट आपके आने वाले फ्यूचर पे होने वाला है, डेफिनेटली। और इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, बिकॉज यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी, मतलब आप खुद उस एक्टिविटी को कर रहे हो। तो सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है, जिससे पहला टेक्निक मतलब स्वैट टेक्निक। स्वैट टेक्निक वही है कि एस मतलब स्ट्रेंथ, हमारे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब कि हम क्या क्या चीजें गेन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास है। मतलब अगर किसी आदमी को अगर पेड़ काटने के लिए अगर जाना है, ठीक है, किसी आदमी को अगर पेड़ काटने के लिए जाना है तो उसके पास क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? कुल्हाड़ी चाहिए, ओके। उसके बाद कुल्हाड़ी चाहिए, ओके। तो उसके पास कुल्हाड़ी चाहिए और फिर आरी चाहिए काटने के लिए। तो उसको बताए कि मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं पेड़ को काट सकता हूँ। तो सेम चीज आपके इस स्ट्रेंथ के लिए भी लगती है कि आपके आपके पास क्या क्वालिटीज है, क्या स्किल्स है, जिस स्किल्स के भरोसे आप अपना गोल सेट करोगे। गोल सेटिंग बात में आता है, सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन आता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, ये चीजें आती है। उसके बाद आप देखोगे कि गोल क्या है, मतलब आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, राइटिंग स्किल हो सकती है, स्पीकिंग स्किल हो सकती है, बहुत स्किल्स है, ठीक है। तो वो स्किल कंप्यूटरिंग स्किल्स है और नई तरीके की स्किल्स, तो वो स्किल आपके पास है क्या। उसके बाद वो स्किल है, उसके बाद वीकनेस क्या है आपके अंदर। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन नहीं कहते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब उसके अंदर कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस होता जा रहा है। हमारे दो तीन पीढ़ी अगर पीछे अगर देखें तो वो मोबाइल यूज नहीं करती थी, आज का बच्चा 3-4 साल का बच्चा भी मोबाइल यूज कर रहा है, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग। मतलब वही कि कोई भी परफेक्ट नहीं है,
लेकिन परमिट की तरह हम कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या होना होगा, क्यूरियस होना होगा इन चीजों को जानने के लिए, इन चीजों को लेने के लिए, इन चीजों का नॉलेज गेन करने के लिए। तो इनकी आपके पास स्ट्रेंथ क्या है वो सबसे पहले एनालिसिस करना होगा, उसके बाद आपके पास वीकनेस, वीकनेस क्या है, वीकनेस बहुत जरूरी होता है। हमें तो हमारी स्ट्रेंथ पता होती है लेकिन वीकनेस पता नहीं होती है। अगर आप अपने अच्छे से अच्छा फ्रेंड को भी पूछो कि आपके पास, मतलब उसको पूछो कि मेरे पास क्या वीकनेस है, वो बोलेगा सर कुछ भी नहीं है, तो बहुत सही है, वही बोलेगा। ठीक है, तो वही है कि आपको खुद को अपने वीकनेस देखना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये अगर आपको पता चल जाती है तो आपको आने वाली अपॉर्चुनिटीज, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को आप फिर डिस्कवर कर सकते हो या फिर आप उसे समझ सकते हो कि यस ये अपॉर्चुनिटी आई है तो ये मेरे लिए है। इस भरोसे पर, क्योंकि आप खुद को जानते हो, बिकॉज यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आई एम राइट, आप यहां तक मेरे साथ हो, यहां तक मेरे साथ हो या चले गए घर में, है क्या याद हो? ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष, ना खाट मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान बन जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों वही कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो, वीकनेस को पहचानो, इससे आपको जो वो होता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ओके, उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि सी मतलब क्रिएट, मतलब क्या क्या आप क्या कर सकते हैं आपके आने वाले, फिर आपको अचीव करने वाले आपके गोल में। तो यही चीजें आपको हेल्प करेंगी आपको किसी भी तरीके का गोल अचीव करने में। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक साइंस की तरह होती है, जिंदगी एक साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम। थैंक यू।